सूरत पुलिस द्वारा सूरत शहर में रहता थेलेसेमिया बालकों माटे ब्लड कैंप की झूंबेश हाथ धरवामां आवी छे, जेमां झोन 5 में लागता रांदेर अडाजण तेमज पाल पुलिस स्टेशन द्वारा सूरत पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति में 23 एप्रिल 2023 रविवार रोज चौथा मेगा ब्लड कैम्प नु आयोजन रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल जहांगीराबाद खाते करवामां आवी रह्युं छे, जेमां मुस्लिम समाज धर्मगुरु कारी अहमद अली फलाही साहेबे लोकोने ब्लड आपवानी अपील करी छे अने पुलिसे आ कामगीरीना खूब ज वखाण कर्या छे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कारी अहमद अली इस वक्त आपके सामने हूँ और बहुत खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप रखा गया है, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा ब्लड कैंप रखा गया है, ये 23 जुलाई को संडे के दिन सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये जो ब्लड कैंप रखा गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो रांदेर का पुलिस स्टेशन है, इसी तरह पाल का जो पुलिस स्टेशन है, इसी तरह अडाजन का जो पुलिस स्टेशन है, इन सब ने थेलेसीमिया बच्चों को एडॉप्ट किया है और इनके साथ में रेडियन इंटरनेशनल स्कूल वाले भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप रख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े मेहमानों में तो बहुत बड़े बड़े मेहमान रहेंगे, लेकिन इसमें ख़ास करके श्री कमिश्नर अजय कुमार तोमर साहब भी रहेंगे और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे श्री रांदेर के PI सोनारा साहब भी रहेंगे। और ये सोनारा साहब के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी इनसे बहुत मुलाकात हुई है और ये सोनारा साहब एक जाबाज, एक बहुत ही महबूब, एक बहुत ही मकबूल और एक बहुत ही होशियार और एक बहुत ही समझदार और सबको लेकर साथ में चलने वाला ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे सोनारा साहब। मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा गोया कहूँ मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि ये हमारा जो डिजेबल हैंडीकेप का जो प्रोग्राम था इसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। फिर हमें ये भी पता चला कि इन्होंने गरीबों के मकान भी बनाए हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सोनारा साहब। हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और सलाम करते हैं। मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये 23 जुलाई जो संडे का दिन है, जहाँ ये आपको एड्रेस मिला है, जितने हमारे जवान हैं सब खून डोनेट के लिए पहुँचे। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, किसी का खून लेना और किसी को खून देना ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई आदमी अपना खून देने को तैयार नहीं होगा, कोई किसी का खून लेने को तैयार नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है यहाँ पर कि जो हमारे थेलेसीमिया के बच्चे हैं या दूसरे जो बीमार होते हैं जिनको खून की ज़रूरत है, और अगर उनको वक्त पर खून न मिले तो उनकी जान चली जाएगी। तो अब जो खून देने वाला है वो एक इंसान की जान को बचाने वाला है और जो खून लेने वाला है वो अपनी जान की हिफाजत करने वाला है, और ये दोनों चीज़ें इंसानियत के मैदान में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी की जान बचाओ और नंबर दो खुद हर इंसान अपने जान की हिफाजत करे। तो ये ब्लड के डोनेशन में, देने में और लेने में, ये दोनों चीज़ें आती है। और मैं तो कहता हूँ कि सबको जितने हमारे जवान हैं जिनके अंदर ताकत है कि वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। अभी बेटा परवेज, अभी मैं यहाँ पर एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने एक बहुत अजीब चीज़ पढ़ी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, वो कुछ गेहूँ खरीदने के लिए शहर में गए। चलो उन्होंने गेहूँ खरीद लिया, गेहूँ की बोरी को अपने सर पर रखा, अपने गाँव में आ गए। जब अपने गाँव में आए और उस बोरी को ज़मीन पर रखा तो देखा एक चींटी, एक एंट, जिसको अरबी में नमलतुन कहते हैं, इंग्लिश में एंड कहते हैं, एक चींटी उसके ऊपर दौड़ रही। वो समझ गए कि ये बहुत सारी चींटियों के साथ में होगी, मैं इस चींटी को अलग करके लाया। अल्लामा शिबली फरमाते मैं रात भर सोया नहीं, सुबह में फिर उस बोरी को उठाया, चींटी को उस पर रखा और जहां से लिया था वहीं पर मैंने उसको चींटी को रख दिया ताकि सब चींटियां साथ में जमा हो गई। तो अगर चींटियां साथ में जमा हो जाए इस पर कितना बड़ा सवाब है। तो हमारे ये सोनारा साहब है, ये भी इसी तरीके से सबको जमा कर रहे हैं और इस वक्त जो काम करने जा रहे हैं ब्लड कैंप का, ये बहुत 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 बड़ा
काम है, इसलिए मैं फिर अपनी तरफ से अपील करूंगा और मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूं, मैं खुद भी इसमें जुड़ा हूं। हमारे हाजी जुनेद ओरावाला भी जुड़े हैं, हमारा मजलिस फैज़े सुलेमानी भी है और लेट यूनुस लतीफ़ ओरावाला, वो ट्रस्ट भी हमारे साथ में, हम सब ट्रस्ट मिलकर जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि जितना हुए 23 जुलाई को सब लोग ब्लड डोनेट करें। मैं तमाम अपने भाइयों से अपील करूंगा कि जितना हो सके जल्द जल्द आए, संडे को आए, 23 को आए और जन्नत कमाए, क्योंकि किसी इंसान की जान को बचाना ये जन्नत का सौदा है। तो सब लोग आए और खूब आए और आकर अपना ब्लड डोनेट करें और सवाब हासिल करके जाए। दुनिया भी तुम्हारे कदमों में, आखिरत भी तुम्हारे कदमों में। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज़, सूरत।